तो बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले देखिए मैं आप लोगों को और मैं चार वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। चार वीडियो में जो दो वीडियो है वो बेसिक फार्मूला के ऊपर डिपेंड है, जो देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी घर देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए, उसका जड़ में टिका रहता है। तो आप अगर जड़ नहीं याद है तो आप इस मैथ्स को नहीं पहचान सकिएगा। इस मैथ्स को पहचानने के लिए और सीखने के लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत होती है, और जो फार्मूला मैं सबसे पहले एक दो वीडियो है, पहला वीडियो जो है रेशियो के ऊपर है, ट्रिगोनोमेट्री की रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरा वीडियो है बेसिक आइडेंटिटीज एंड फार्मूला, जो आपको हर वक्त मदद करेगा, ठीक है। और ये जो अभी उसके बाद फिर वो दोनों के बाद मैं उन दोनों के बाद और दो मैं करा चुका हूँ, जो है आपका वन नंबर और टू नंबर, और आज चल रहे हैं तीन नंबर चार नंबर, सब कुछ करा दूंगा मैं। एट पॉइंट मैंने बोला था, वादा किया था, जो 8.1 का सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो करा दूंगा। और इससे आपका एग्ज़ाम में 8 से 7 मार्क, 8 मार्क, कभी 9 मार्क भी बनता है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये शुरुआत कर दिया। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, देखिए ट्रायंगल पहले ड्रॉ करूँगा मैं 90 डिग्री का। ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नाम दे देता हूँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ पे किया दिया हुआ है बच्चे। इससे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह ध्यान होने चाहिए, बिना आपका ध्यान से काम होने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले मैं जब सॉल्यूशन करूँगा, मान के चलिए मैं अब सॉल्यूशन करने वाला हूँ, तो ये आपको यहाँ पे क्या दिया है, गिवन डेट आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना वो आप लिख लीजिएगा, तो मैं क्योंकि इतना लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो लेंथ हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा गिवन डेट, चलिए ये लिख दे देता हूँ, डेट क्या दिया हुआ है, दिया है साइन ए, मतलब ये है साइन ए इक्वल टू क्या दिया है, 3/4, यही दिया है। देखिए बच्चे आप लोग को अच्छी तरह मालूम है, एक फार्मूला मैंने सिखाया था, ये फार्मूला यहाँ पे लिखाता हूँ, सोना चांदी तोला पंडित बाटा प्रसाद हर हर भोले, ये फार्मूला था। सोना मतलब साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H और टेन थीटा P/B, ये मैंने सिखाया था। अभी आपको अगर नए बच्चे हैं तो समझ में नहीं आएगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का जगह मैं क्या दे सकता हूँ, P/H, मतलब यहाँ पे P/H का वैल्यू कितना दिया है, इधर दिया है आपका 3/4। और मैंने ये भी बोला था इसका नाम है परपेंडिकुलर, इसका नाम है बेस, और इसका नाम है हाइपोटेन्यूज। ये आपको पहले फार्मूला में मैं सिखा चुका था, तो आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से कर लीजिए, वहाँ से करना आपको ज़रूरी है। तो मैं ये मिटाता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। देखिए अभी होता क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पी कौन सा है, ये वाला था, यहाँ पे मैं लिखूँगा 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, यहाँ पे लिखूँगा मैं 4। अब बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखिएगा, ये मैं नहीं लिखूँगा, आप लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, ये लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज ABC के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, असामिस वाले भी लिखेंगे ये त्रिभुज ABC पाइथागोरस प्रमेय बहुवाले, ऐसा लिख लीजिएगा। तो ये और मैंने एक फार्मूला दिखाया था, आपको याद ही होगा पाइथागोरस का फार्मूला क्या था, फार्मूला था AC² = AB² + BC². तो AC का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पे देखिए ये 4 है, तो
अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप आगे का दो वीडियो नहीं देखे हैं, तो ए सी स्क्वायर बी सी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर ए बी का 3 है तो 3 दे दिया, बी सी का नहीं है ना तो बी सी को मैं ऐसा ही रखूँगा। ए सी का 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिएगा 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ही रहेगा। अब 16 को 16 ही 16 ही लिखूँगा। ये 9 जो है अपना घर को अपना बॉर्डर से जब क्रॉस करता है तो प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस। यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल नहीं है, मतलब प्लस में है। जब भी मैं इस इक्वल के इस साइड लाऊंगा तो ये बंदा माइनस में चेंज हो जाएगा और ये जो है यहीं पे बैठेगा इक्वल, ये अकेला आ जाएगा इस बार बी सी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करने से आपका आंसर आएगा 7 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अभी भी एक्चुअल आंसर नहीं आया है, अभी भी देखिए एक्चुअल आंसर नहीं है। ठीक है, अभी भी एक्चुअल आंसर नहीं है। यहाँ पे देखिए जो बी सी है यहाँ पे मैं लिखूँगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, फिर से इसको लिखा तो बी सी का वैल्यू क्या आएगा। मैंने पहले बोलते स्क्वायर हटने के साथ साथ आपका यहाँ पे रूट आ जाता है, तो ये आपको दिखा दिया था, तो इसका वैल्यू आ गया अभी रूट 7। क्या वैल्यू आया, रूट 7। अब चलिए मैं इसको निकालता हूँ, इसको और इसको अब निकालता हूँ, तो अब लिखूँगा इसीलिए इसी तरह कोस ए इक्वल टू कोस का फॉर्मूला क्या था, देखिए इसका काम आ रहा है बी बाई एच, बी बाई एच इक्वल टू बेस का, बेस कितना है रूट ओवर 7, तो चलिए रूट 7। उसके बाद क्या बोलना है एच, एच मतलब कितना है 4 4। इसके बाद ये इसका वैल्यू ख़त्म। इसके बाद 10 ए बोला है तो चलिए 10 ए, 10 का फॉर्मूला क्या है, 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर हेयर 3 3 एंड बेस रूट 7, राइट। ये वाला आंसर, बस यही आंसर था, इससे बाहर कोई आंसर नहीं है। तो देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आया है, ठीक ही है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो नया आकर चैनल में आया है तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप वो 3 वीडियो देख लीजिए, 3 वीडियो सॉरी 4 वीडियो, तब इसमें आइए। और स्टेप बाय स्टेप बाय हर एक टीचर सिखाने की फॉर्मूला अलग होती है, कोई टीचर यहाँ पर के पकड़ के सिखाएगा, तो हर एक टीचर की सिखाने की तरीकाएँ फॉर्मूलाएँ अलग अलग होती है। आप जिस टीचर से सीखेंगे जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वही टीचर से सीखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मुझसे सीखिए या किसी और से सीखिए या ट्यूशन से सीखिए, ऐसी बात नहीं, हर एक जगह से सीखिए, सीखना ज़रूरी है। आपको आंसर एकदम लिख के ही आना है, तो यही है। तो आप लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, हर एक टीचर हर एक चैप्टर को अच्छी तरह समझा नहीं पाता, जो टीचर आपको जितना अच्छा समझा सकता है, मतलब समझाना हर एक टीचर ही ठीक ही समझाता है, तो बच्चे नहीं समझ पाते। आप जहाँ से समझ में अच्छा आता है वहीं से आप कीजिए, और इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, और जितना हो सके अगर नया कोई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।